नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ सारा इंडिया परिवार के सिलसिले में। सारा के निवेशकों को उनके पैसे लौटाने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट सारा ग्रुप के निवेशकों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 80,000 करोड़ रुपये क्लेम किया है, जिसके लिए सरकार ग्रुप के फंड से पैसे मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। निवेशकों ने सहारा ग्रुप की कॉरपोरेट समितियों में निवेश किया था, जो पैसे सालों से फंसे हुए हैं। इसके लिए इस साल एक पोर्टल की शुरुआत की गई थी। सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राज्यसभा में सहारा में फंसे निवेशकों के पैसे पर पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल शुरू किया है, जिसके लिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में फंसे पैसों के लिए क्लेम एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पैसा क्लेम करने के लिए 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्टर किया है और कुल मिलाकर 80,000 करोड़ रुपये का क्लेम डाला है। वर्मा ने कहा कि बहुत से निवेशकों को उनके पैसे वापस भी मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने 45 दिनों के भीतर निवेशकों का पैसा रिफंड करने का प्रयास शुरू कर दिया है। हमारे पास 5,000 करोड़ रुपए हैं। हम सहारा ग्रुप के फंड और पैसे लेने के लिए शीर्ष अदालत जाएंगे। सारा निवेशकों को उनका एक एक पैसा वापस मिलेगा। मंत्री ने सभी निवेशकों को आश्वासन दिया कि पोर्टल पर प्रक्रिया के तहत अपना एप्लीकेशन डाल रहे निवेशकों को उनके पैसे वापस मिल जाएगा। अभी सरकार छोटे निवेशकों को 10,000 रुपये प्रति निवेशक को रिफंड करने से शुरू कर रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीण सहकारी बैंकों में होम लोन की लिमिट को 2.5 गुना बढ़ाकर 32 लाख से 75 लाख कर दिया गया है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे।